रमेश, हाँ? ये वही प्यार के पल है ना, हुँ? जो अभी पल भर में गुजर जाएंगे। तुम अभी चले जाओगे और रात भर हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। I really miss you and really love you. Miss you a lot, baby. मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। What? This one. Oh wow, so cute. है ना? कितना cute है ना? Thanks a lot, Priya. Thank you so much, Priya. Thanks a lot. और हाँ, Priya. जो प्यार में हद से ना गुजर जाए, वो प्यार ही क्या? और जो आखिरी सांस तक साथ ना दे, वो प्यार और यार भी क्या? मगर तुम तो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ोगे ना? हाँ, तो एक काम करते हैं ना, LIC करवा लेते हैं। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा सुनो, मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ। ओके बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है? रमेश, यू नो व्हाट? व्हाट? अगर प्यार में ख्वाहिशें कम हो ना, तो पत्थरों में भी नींद आ जाती है, वरना तो मखमल के बिस्तर भी काटने को दौड़ते हैं तुम्हारे बगैर। ओह सो क्यूट, आई लव यू सो मच रमेश। कोई बात नहीं बेबी, आप मेरी बाहों में अपना सर रख के सो जाना, ठीक है? ओह सो क्यूट, लव यू। अच्छा, ओह आई एम गेटिंग वेरी लेट, सो बेबी मैं इसी जगह पे मैं कल मिलूंगा, ठीक है? Okay. अभी मैं चलता हूँ बच्चा। बाय बाय बच्चा, बाय, टेक केयर, बाय बाय, यू टू बेबी। बेटा मुझे पता है तेरा दो गर्लफ्रेंड है, एक कॉलेज में और एक मोहल्ले में। अच्छा पापा, मुझे बताओ ना, ये दोनों लड़कियों में से मेरी शादी किसके साथ होगी फ्यूचर में? बेटा, हाँ, दोनों में से किसी के साथ शादी नहीं होएगा। क्या? क्योंकि बहुत जल्दी तू करोड़पति बनने वाला है। वो कैसे बाबा? बेटा तू बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला है। बेटा तू BMW कार में बैठ के घूमने वाला है। हाँ, तेरे जिंदगी में बहुत जल्दी करोड़पति हुस्न की मलका आने वाली है। तेरी तो अभी बेटा लॉटरी रखने वाली है, तेरी तो बेटा अभी किस्मत बदलने वाली है। अच्छा पापा, आप ये बताओ कि आप कितने रुपए लेंगे आप? बेटा शुद्ध गाय का घी 1 किलो और 1 किलो ताजा शहद दान दे बेटा, ताकि मैं तेरे नाम का मंदिर में हवन कर सकूं। पर बाबा ये सब मिलेगा कहाँ? कोई बात नहीं, तो 1000 रुपए दे दे, मैं खरीद लूंगा। ठीक है बाबा, ये रहे बाबा 1000 रुपए। आयुष्मान भव, धन संपत्ति भव, 3 दिन में बेटा चमत्कार होएगा। ठीक है बाबा, करोड़पति, BMW कार, ठीक है बाबा, चलता हूँ बाबा, फिर मिलता हूँ बाबा, आता हूँ। हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर, ये कोई फकीर चंद नहीं, करोड़पति का घर है।
कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो, बाय गंगाराम, स्वीट ड्रीम। हेलो जी, जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ जी। जल्दी से बोलिए वरना मेरा भाई आ जाएगा, फिर मेरा मोबाइल वो कुएं में फेंक देगा। प्लीज। जी आपका नाम? जी नाम पे क्या रखा है जी, वैसे आप अपना काम बताइए। वैसे मेरा नाम श्री दीदी है, आप मुझे श्री बोल सकते हो। आपका नाम क्या है जी? जी रमेश। एक चुटके सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे आप करते क्या है जी? तुमसे प्यार। मुझसे प्यार? अंधे हो क्या? रॉन्ग नंबर से प्यार? प्यार किया जाता नहीं, बस हो जाता है। मन की आंखों से देख रहा हूँ, तुम बहुत हॉट एंड सेक्सी हो। वो तो ठीक बोला जी आपने, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, बिल्कुल कुमारी हूँ, वर्जिन स्वीट 16। फिर तो तुम्हें गली के लौंडे भी लाइन मारते होंगे तुम पे। अजी लौंडे छोड़ो, यहाँ तो 75 साल के बुड्ढे भी मुझे देखकर जवान हो जाते हैं। माशाल्लाह तुम सच में बहुत ही हॉट हो। आप तो बड़े नॉटी हो जी। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। बाय बेबी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। सुबह सुबह मुझे रॉन्ग नंबर से फोन करके परेशान करता रहता है, जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसका नंबर ब्लॉक कर दो, सिंपल। आप ये बताओ, जब भी सुबह बुआ जी का मोबाइल बजता है तो वो खुले में टॉयलेट करने क्यों जाती है, जबकि घर पे तो टॉयलेट बनी हुई है। अमन को बचपन से ही खुले में जाने की आदत है। बचपन से या जब से मोबाइल लिया तब से? क्या? हाँ। और हमेशा खाली डब्बा क्यों लेकर जाती है बिना पानी के? अब वो जब तुम्हारी बुआ जी आएंगी ना तो उन्हीं से पूछ लेना, अभी जाकर अपना होमवर्क करो।